हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना। स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे पोहे का टेस्टी नाश्ता, जो बनाना बहुत ही आसान है और जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए पोहे का टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। पोहे का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए एक बड़ी कटोरी पोहा, आधा कटोरी सूजी, एक उबला हुआ आलू जिसे मैंने छील लिया है, कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक और कटा हुआ लहसुन, एक चम्मच राई, नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च और थोड़े से करी पत्ते। ये सारा सामान मैंने पोहे का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए लिया है। सबसे पहले हम पोहे को अच्छे से वॉश करेंगे। लीजिए, मैंने पोहे को एक बर्तन में डालकर उसमें पानी डाल दिया है और हम उसे हाथ से अच्छे से साफ करेंगे और हम पोहे को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए ऐसे। और अब हम इस पानी को अच्छे से ड्रेन करेंगे। लीजिए, मैंने इसे एक बार वॉश कर लिया है और अब हम इसे दोबारा वॉश करेंगे। लीजिए, मैंने इसमें पानी और डाल दिया है और इसे अच्छे से साफ करेंगे। देखिए, लीजिए, अब मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम पोहे को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अगर आपका पोहा मोटा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे रख सकते हैं। लीजिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया है। देखिए, अब 5 मिनट के बाद जो पोहा है वो एकदम से फूल चुका है। देखिए, और अब हम इसे अच्छे से आटे की तरह मसल लेंगे। जिस तरह की हम आटा बनाते हैं इसे भी हम उसी तरह ही मसल लेंगे। देखिए, जो पोहा है एकदम से आटे की तरह बन चुका है। लीजिए, और अब हमने जो आलू लिया था उसे भी ग्रेट कर लिया है। आप भी आलू को ग्रेट करके ही डालिए, क्योंकि अगर हम हाथ से मैश करके डालते हैं तो आलू में कोई गुठली रह जाती है। लीजिए, अब हमने इसमें आधा कटोरी सूजी भी ऐड कर दिया और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, और इसका एक डो तैयार करेंगे। लीजिए, अब हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, ये एक डो की तरह बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हल्दी का यूज़ हम इसे तड़का लगाने में करेंगे। और ग्रेट किया हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, ये दोनों चीज़ें भी हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। और नींबू का रस, आप नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो ये सारे मसाले हैं वो इस डो में अच्छे से मिक्स हो सके। देखिए ऐसे। और आप इस स्टेज पर थोड़ा इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, अब हमने एक डो बनाकर तैयार कर दिया है और इसकी हम बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। बॉल्स बनाने से पहले हम अपने हाथों को अच्छे से तेल से ग्रीस करेंगे, जिससे कि जो ये मिश्रण है वो हमारे हाथों पर नहीं चिपके। देखिए, अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके उसे अपने हाथ पर लेकर इस तरह उनकी बॉल्स बना लेंगे। देखिए, अगर आप इससे बड़ी बॉल बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, पर मैं छोटी बॉल ही बना रही हूँ। देखिए, जो ये पोहा बॉल्स है ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। लीजिए, अब हमने एक पैन में पानी डाल दिया है। इस पानी को हम अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि हमने जो ये पोहा बॉल्स है उन्हें स्टीम करना है, इसलिए हमने इसमें पानी डाल दिया और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। लीजिए, अब हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। और जिस बर्तन में हमने बॉल्स को रख के स्टीम करना है उस बर्तन को हम पहले अच्छे से ग्रीस करेंगे। देखिए, अब हमने इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर दिया है। अगर हम इस बर्तन को तेल से अच्छे से ग्रीस नहीं करेंगे तो जो हम ये पोहा बॉल्स रख रहे हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और बर्तन में भी चिपक जाएंगी, इसलिए हम इसे पहले अच्छे से तेल से ग्रीस करेंगे। देखिए, अब हम ऐसे इसमें बॉल्स को रखेंगे। देखिए, लीजिए, अब हमने इसमें बॉल्स रख दी हैं और इधर से जो पानी है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इस
बर्तन को इसके ऊपर रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हम इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए इसमें भी अच्छे से स्टीम आ रही है क्योंकि जो पानी है वो अच्छा गर्म हो चुका है। देखिए जो हमारी पोहा बॉल्स हैं वो सिक चुकी हैं। देखिए अब 5 मिनट के बाद जो पोहा बॉल्स हैं बनकर तैयार है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ऐसे एक एक करके हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे पोहा बॉल्स को स्टीम करके निकाल लेंगे और आप इसे किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लीजिए अब हमारी सारी पोहा बॉल्स बनकर तैयार हैं और इसके तड़के के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी और उसमें तेल डाल दिया है। तेल भी गर्म हो चुका है और अब हमने उसमें राई डाल दी है और राई को हम अच्छे से चटकने देंगे। अगर राई हम चटकने नहीं देंगे तो वो कच्ची रह जाएगी और खाने में भी पोहा जो बॉल्स है वो अच्छे नहीं लगेंगे। लीजिए अब राई अच्छे से चटक चुकी है और अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। देखिए जब कभी आपको कम भूख लगी हो और कुछ खाने का मन करे तब भी आप इन पोहा बॉल्स को बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लीजिए अब हमारी जो हरी मिर्च है वो भी अच्छे से सिक चुकी है और अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। लीजिए अब हमने करी पत्ता डाल दिया और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए और अब हम इसमें जो हमने आधा चम्मच हल्दी ली थी उसे भी ऐड कर दिया है और हल्दी को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि जो हल्दी का कच्चापन है वो भी निकल जाए। देखिए अब हल्दी भी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें अपने पोहा बॉल्स डाल लेंगे। देखिए ऐसे हम पोहा बॉल्स को इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे जो हल्दी है इन सारी पोहा बॉल्स पर भी अच्छे से लग सके। जो ये पोहा बॉल्स है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। लीजिए अब हमारे पोहा बॉल्स का नाश्ता बनकर तैयार है। अब हमने गैस को भी ऑफ कर दिया है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। पोहा बॉल बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इन्हें हम किसी भी टाइम बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए अब हमने इन्हें सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए।